अनंतनाग जिले में शोहाशाली और आसपास के गांव से 20 कालीन बुनकरों के एक समूह ने स्वतंत्र रूप से एक आय सृजन गतिविधि के रूप में कालीन बुनाई की शुरुआत की। कारीगरों की आजीविका संवर्धन और आधिकारिकता के लिए MPC FDC योजना के तहत शोहाशाली में कालीन बुनाई इकाई की स्थापना का कार्यक्रम हुआ। आपको बता दें, कालीन बुनाई शोहाशाली गांव की आजीविका का प्राथमिक स्रोत है, लेकिन उनके व्यवसाय से उन्हें कम आय प्राप्त होती है और ग्रामीणों का एक बड़ा वर्ग गरीबी रेखा से नीचे रहता है। उपलब्ध कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सरकार की नीतियों और जागरूकता से दूर दराज के समुदायों के लिए अर्थव्यवस्था सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। के कालीन कार्यक्रम के तहत समुदाय की जरूरतों और चिंताओं पर चर्चा की गई। कालीन बुनकरों को सरकारी संस्थानों जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया और वीजा पंजीकरण कार्ड प्राप्त करने में मदद की गई। इसके अलावा उन्हें उन्नत बुनाई तकनीक पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया और उन्हें कल्याणकारी योजनाओं के साथ सब्सिडी दर पर कच्चे माल की खरीद के लिए जोड़ा गया। कारपेट बेबी का काम करते हैं जी सर। मैंने ग्रेजुएशन की है, उसके बाद मुझे ये शौक हुआ कि मैं ये काम सीखूं। मैं शुक्रगुजार हूँ आईआईसीटी के डायरेक्टर और डायरेक्टर साहब के, जिन्होंने हमें ट्रेनिंग फ्री में दी है। और वो गोया सिक्किम में सिक्किम नाम है NDC FDC। उस मुतमिन सिक्किम पे अच्छे पन रोजगार कमा पानी तहत एक कॉर्पोरेट क्लस्टर है जिसको IICT ने एस्टेब्लिश किया है। तो मैं यहाँ पर एज इंस्ट्रक्टर काम करता हूँ। इनको मैंने पहले इन आर्टिजनों को जो लोग यहाँ 20 आर्टिजन यहाँ काम करते हैं, इनको पहले वूल पर हमने ट्रेनिंग दी है, उसके बाद सिल्क पर ट्रेनिंग दी है। तो माशाल्लाह इस वक्त ये खुद रोज़गार कमाते हैं। तो ये लोग भी बहुत शुक्रगुजार हैं IICT के और सरकार के, जिन्होंने इनको रॉ मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है और मॉडिफाइड लोन दिए हैं और गवर्नमेंट इस बिल्डिंग का किराया भी देता है। तो इसके लिए ये भी